गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हमने वहाँ पर एडी एग्रीगेट डिमांड का हमने डेफिनेशन पूरा पढ़ लिया था, एडी शेड्यूल हमने देख लिया था, एक शेड्यूल उसके ऑब्जर्वेशंस एंड और डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन, हमने ये सब देख लिया था लास्ट क्लास में और उस डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन के हमने ऑब्जर्वेशंस भी पॉइंट आउट कर लिए थे, एक्सप्लेनेशन हो गया था। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ एडी। ठीक है, जब हम कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो हम एग्रीगेट डिमांड को दो इकोनॉमी में पढ़ते हैं, पहला क्लोज्ड इकोनॉमी, दूसरा ओपन इकोनॉमी। ठीक है, कॉम्पोनेंट दोनों इकोनॉमी में अलग हो जाते हैं। सो फर्स्ट वी मूव ऑन विद क्लोज्ड इकोनॉमी। व्हाट इज क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी में भी हम दो टाइप के इकोनॉमीज पढ़ते हैं। पहला हमारा होता है टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी एंड देन वी हैव थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। राइट, टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में हमारे पास कौन कौन से सेक्टर होते हैं? पहला हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हाउस होल्ड भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है और गवर्नमेंट भी होता है। ठीक है, इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। क्लोज्ड इकोनॉमी जो होती है, पहले कंपोनेंट ऑफ एडी क्लोज्ड एंड ओपन। अब हम क्लोज्ड में अगर आगे जाके बात करेंगे तो क्लोज्ड में हमारे पास पहला है टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, देन वी हैव थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारे होते हैं कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर इन्वॉल्व होंगे और प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वॉल्व होंगे। वही जब हम थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में बात करेंगे तो हाउस होल्ड सेक्टर इन्वॉल्व होंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वॉल्व होंगे और गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी, इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। हाउसहोल्ड्स परचेज गुड्स फॉर पर्पस ऑफ कंजम्पशन, ये सबको पता है। हम लोग कुछ क्यों गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं? हमें कंजम्पशन करना है इसलिए, एंड दिस कंजम्पशन इज कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे सी से। अब बेटा इस चीज़ में आप लोग बहुत इस चैप्टर में ध्यान रखना कि हर एक एक्सपेंडिचर के लिए अब इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में आप सिंबल्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सिंबल्स आप लोग याद अब करते जाइए कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होगा वो हम डिनोट करते हैं सी से। हाउस होल्ड क्या करते हैं? गुड्स परचेज करते हैं कंजम्पशन के लिए, और यही कंजम्पशन जो वो करते हैं दिस इज कॉल्ड देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज डिनोटेड बाई सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोड्यूसर्स परचेज गुड्स फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अगर गुड्स खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से खरीदते हैं एंड दिस इज कॉल्ड योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आगे हम बढ़ते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। ठीक है, गवर्नमेंट मेक्स कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो कलेक्टिव वे में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, दैट मीन्स इट रेफर्स टू पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के बिहाफ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को रेफर करता है एंड दैट आर कॉल्ड कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन, गवर्नमेंट मेक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वहाँ पे क्या था कि सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर अपना अपना देख रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है उसको कलेक्टिव वे में सोसाइटी के बिहाफ पे गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है और गवर्नमेंट जो है वही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है।
ठीक है, जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड होता है दैट इक्वल्स टू सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वहीं जब आप गवर्नमेंट, जो आपका थ्री सेक्टर इकोनॉमी है क्लोज्ड इकोनॉमी, उसमें आप आते हैं तो एग्रीगेट डिमांड जो आपका होता है दैट इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, मतलब कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन ओपन इकोनॉमी। अब जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ओपन इकोनॉमी कौन कौन से सेक्टर को इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स फोर सेक्टर, हाउसहोल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जनरेट्स डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स विच एड्स टू द डोमेस्टिक इकोनॉमी, बट वी इम्पोर्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच डिक्रीजेज द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या मतलब है कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो हमारे गुड्स का जो डिमांड है एक्सपोर्ट के लिए वो बढ़ाता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ से दूसरी कंट्री से हमारे लिए एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, डिमांड आती है जिसको हम पूरा करते भी हैं, लेकिन ये हमारा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, हमारे पास फॉरेन करेंसीज आती हैं, फॉरेन हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, राइट। लेकिन उसी टाइम पर हम भी तो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं, जो क्या करता है हमारी इकोनॉमी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, एंड दिस वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स एक्स माइनस एम, दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स, जो आपका ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ जाता है। ठीक है, जो आपकी ओपन इकोनॉमी है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एडी इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जब आपको ओपन इकोनॉमी में समझना है तो वहाँ पर सी आपका होता है हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम होता है नेट एक्सपोर्ट्स। ये हम बात कर रहे हैं ओपन इकोनॉमी में। ठीक है, जब भी हम ओपन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो आपका एग्रीगेट डिमांड होगा उसमें ये सब इंक्लूड आप करेंगे, पहला कि हाउसहोल्ड का कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है और नेट एक्सपोर्ट्स हमारे क्या हैं। दिस ऑल इंक्लूड योर एग्रीगेट डिमांड। नाउ वी मूव ऑन टू कॉन्सेप्ट ऑफ AS, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? AS refers to aggregate production as planned by the producers during an accounting year. ठीक है, AS क्या है? एक accounting year में plan के मुताबिक according to the producers जितना production हुआ that is called your aggregate supply. Production of goods and services implies value addition and value addition implies income generation. ठीक है, क्या होगा? Production जो है of goods and services उसका मतलब क्या हुआ? Value add हो गई economy में, और value addition हुआ तो वो income generate करेगा। क्यों generate करेगा? ज़्यादा production हुआ है तो वहाँ पर प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई जब आपकी बढ़ रही है तो वहाँ पर इनकम भी जनरेट होगी, क्योंकि ज़्यादा आप जब वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा आप जब सेल करेंगे तो ज़्यादा सेल करने की वजह से इनकम भी तो बढ़ जाएगी। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स AS रेफर्स टू प्लान्ड प्रोडक्शन और डिज़ायर्ड प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर।
मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपका प्लान्ड प्रोडक्शन है या डिजायर्ड प्रोडक्शन है इन एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कॉल्ड योर एग्रीगेट सप्लाई। एडी हम किससे डिनोट करते हैं? एग्रीगेट डिमांड। एएस क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। सी क्या है? कंसम्पशन। आई क्या है? इन्वेस्टमेंट। जी क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्स माइनस एम क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। इतने सिंबल्स अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब इस एएस को दिखाने के लिए हमारे पास एक शेड्यूल है जहाँ पर वाई को उसे हम क्या डिनोट करते थे? इनकम। जब हमारी इनकम 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, वहाँ पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई क्या है? 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे आइडेंटिटी बिटवीन वाई एंड एएस शोज दैट प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी आर रेडी टू सप्लाई। मतलब कि जब हमारी इनकम ज़ीरो है हमारी सप्लाई भी ज़ीरो है, ठीक है। जैसे जितना इनकम बढ़ रहा है उतना ही आपकी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे लोगों की कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम अपनी सप्लाई भी बढ़ाते जा रहे हैं। अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एएस लीड्स टू अ कांस्टेंट प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। क्या होता है कि जब सप्लाई जो है एग्रीगेट सप्लाई में एक प्रोपोर्शनल इंक्रीज होता है, एक लेवल पे इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से इकोनॉमी में कांस्टेंट प्राइसेस भी मेंटेन हो जाते हैं। क्यों मेंटेन हो जाते हैं? अब इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब जैसे जैसे किसी भी जो आपका प्रोड्यूस है कमोडिटी है उसकी सप्लाई मार्केट में बढ़ रही है। मार्केट में क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसकी डिमांड है। तो क्या हो रहा है? डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है। और डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इनकम लोगों की बढ़ रही है। तो इनकम और जो सप्लाई है वो एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। क्योंकि इनकम लोगों की बढ़ती जा रही है तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, और जहाँ डिमांड आई प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई भी बढ़ाता जाएगा। उसको पता है कि इनकम धीरे धीरे मार्केट में लोगों की बढ़ रही है, कंज्यूमर्स की बढ़ रही है, तो उनके हिसाब से वो इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी बना के रखते हैं कि आगे वो इसकी सप्लाई कर सके। यहाँ अगर आप देखें तो यही आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि Y equals to AS, मतलब कि लोगों के पास जितनी इनकम है उतना प्रोड्यूसर सप्लाई भी कर रहा है। हियर इज द एग्रीगेट सप्लाई एंड हियर इज द इनकम और GDP। इसके ऑब्जर्वेशन हमने मेंशन किए हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। हियर AS एंड Y are equal to each other. This behavior is possible when the economy has excess capacity where AS can rise with rise in demand. ये जो सिचुएशन है ये कब पॉसिबल और कहाँ पॉसिबल है? जब उस इकोनॉमी में इतनी कैपेसिटी है कि जैसे ही वहाँ पर डिमांड बढ़ती है तुरंत जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई बढ़ा देता है। इतनी उसके पास प्रोड्यूसर्स के पास कैपेसिटी है, रिसोर्सेज है कि जहाँ मार्केट में डिमांड बढ़ी उसने सप्लाई भी बढ़ा दी। उसे कैसे पता चला कि मार्केट में डिमांड बढ़ी? क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी इनकम बढ़ गई। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कंजम्पशन फंक्शन। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? हियर सी विच इज डिनोटेड बाई हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एडी। जब हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़ने आते हैं तो सी जो है जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हाउसहोल्ड का वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कॉम्पोनेंट है ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम। हायर वाई लीड्स टू हायर सी, ठीक है। जो लेवल ऑफ इनकम है वो डायरेक्टली
रिलेटेड है आपका कंजम्पशन से। जितनी लोगों की इनकम बढ़ती है वो उतना ही कंजम्पशन बढ़ाते हैं अपना, ऐसा ही होता है ना। अब जैसे कि किसी की इनकम 10,000 है तो वो उतना ही वहाँ पे डिमांड करते हैं, उनकी इनकम जब 20,000 हो जाएगी तो उनकी डिमांड भी उतनी बढ़ जाएगी, है ना। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती जाती है। सो हियर सी इक्वल्स टू द, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंजम्पशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और जो आपका वाई है वो आपका डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके सी से। जो इनकम है डायरेक्टली रिलेटेड है आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कंजम्पशन यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। सो हियर वी विल वाइंड अप दिस टॉपिक। कल हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई, ठीक है। कंजम्पशन और इनकम के बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है इसको हम कल स्टार्ट करेंगे।